नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। मैं सतीश झा अमेरिका से। पिछले कुछ दिनों में बड़ी बातें हुई हैं। मोदी जी और बाइडेन साहब के बीच में बातचीत हुई, मोदी जी और ट्रूडो साहब के बीच में बातचीत हुई। इससे हमारे देश की सामरिक नीति तय हो रही है, दिशा तय हो रही है। कुछ दिन पहले तक ये असमंजस था कि बाइडेन से उसकी बात क्यों नहीं हुई, लेकिन हमने देखा कुछ घटनाएं हुई। जम्मू कश्मीर में G4 अलाउ कर दिया गया और उसके बाद जो बातचीत हुई उसमें एक और नई बात आई कि जिस तरह भारत ने उस बातचीत का विवरण दिया देश को, विदेश को, दुनिया भर को, और जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर से विवरण बताया गया या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कनाडा के दफ्तर से बताया गया, उसे रीड आउट कहते हैं अंग्रेजी में, उससे लगा कि जिनसे बात हुई दोनों की जो समरी थी थोड़ा फर्क था, दोनों की जो समझ थी उस बातचीत उसमें थोड़ा फर्क था। भारत कोशिश कर रहा है दिखाने की कि हम वर्ल्ड की फार्मेसी बन गए, दुनिया की फार्मेसी बन गए। वो हमेशा बात करते हैं कैसे कोरोना वायरस में हम दुनिया को हम कैसे मदद करेंगे। ट्रूडो साहब के जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनकी रीड आउट में इसका कोई जिक्र नहीं था कि उन्होंने कोरोना की बात की। तो प्रश्न कुछ उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ एक ही नहीं दो दो जगह से, दोनों जगहों में थोड़ा फर्क था रीड आउट में, जो भारत ने कहा और जो दूसरे देश के अध्यक्ष थे या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो उन्होंने कहा। इससे कुछ एक स्वर्ण बात आ रही है कि कहीं एक शंका होती है कि आखिर क्या हो रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि समझ नहीं पाते जिनसे बात करते हैं उनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, या हम कुछ कहना चाहते हैं, कहते कुछ हैं और एक मैसेज कुछ और करना चाहते हैं। तीसरी बात और भी देखिएगा जो चीन के संबंध में, वहां से भी जो संदेश देश दे रहा है अपने देशवासियों को और जो देश जो दुनिया भर संदेश आ रहे हैं थोड़ा फर्क है। आज मैंने देखा कि बीजेपी ने मोदी शाह की तारीफ करते हुए उनको स्टेट्समैन बताते हुए एक व्हाट्सएप पे देश भर में मैसेज भेजा है। उसमें सब बताया जा रहा है कि दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं और बाकी लोग उनके पीछे हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं उनसे भारत का बड़ा नाम होगा, लेकिन सब लोग चिंतित हैं कि चीन के साथ क्या होगा। चीन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग कुछ एक कदम पीछे हट गए हैं। ये बात तथ्य तभी मालूम पड़ेगा जब सांसदों को इसको देखने का मौका दिया जाए। तब तक तो ये हम लोग बात करते रहेंगे, उस पर एक जगह पे आना मुश्किल होगा, लेकिन जो लग रहा है कि कहीं कोई फर्क है दोनों की समझ में, जो दुनिया कह रही है, जो हमारे देश के अभी नेता कह रहे हैं, उनमें थोड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है कि आज तक भारत का सबसे बड़ा कार्ड था, सबसे बड़ा जो एक मेडल था वो ये था कि बहुत बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र भारत की पहचान थी। मुश्किलें थी, तमाम तरह की परेशानियां थी, छोटे छोटे झगड़े होते थे, हमारे चुनाव में कई सारे किस्से उभर के आते थे जो अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन सब मिला के एक मोटा मोटी देश हमारा लोकतंत्र माना जाता था। 19 महीने इमरजेंसी के दौरान देश ने भी उसको अस्वीकार किया, दुनिया ने भी हमें कहा नहीं, हम लोग उसको इस हद तक कि हम लोग 19 महीने में उससे वापस आ गए और फिर लोकतंत्र जो जब प्रकाश जी वापस लेके आए तब से जो एक रास्ता बना उसमें एक पार्टी जिसका कोई भी सदस्य नहीं था वो उस रास्ते पर चल के आज मेजोरिटी में आ गया, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जहां एक पार्टी जिसका कोई भी सदस्य नहीं था 1980 में, वो 2014 में सरकार बनाने पर जब सरकार बना सकी, 2018 साल बाद 1998 में उसकी सरकार बन गई, 96-13 दिन के लिए आई, यानी कि लोकतंत्र में यह संभव है कि एक बड़ा नेता आज शुरू करके 10-15 साल में प्रधानमंत्री बन सकता है, सरकार बना सकता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबको अभिव्यक्त की आजादी है, हम अपनी बात कह सकते हैं, अगर हमारी बात लोगों को पसंद आती तो हमें जोड़ेंगे, हमारे साथ चलेंगे, ऐसा हुआ। लेकिन आज की तारीख में लग रहा है कि हर जगह, चाहे वो अमेरिका से देखें, चाहे
चीन से देखें, चाहे आप कनाडा से देखें, यूरोप से देखें, जापान से देखें, हर जगह सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत के लोकतंत्र को क्या हो गया है। इसीलिए जो बातें बाइडेन साहब ने की और ट्रूडो साहब ने की, उनमें ज्यादा जिक्र ये था, चाहे बहाना मायना म्यांमार का हो, चाहे बहाना बर्मा का हो, लेकिन उसका मैसेज यही था कि हमें डेमोक्रेसी अच्छी लगती है, डेमोक्रेसी जो है वो हिंदुस्तान को बड़ा आगे बढ़ा रही है। ये बात बाइडेन ने म्यांमार के साथ कही और ट्रूडो ने अपनी तरफ से कही, जिस तरह से उनको उनको लग रहा था कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उसके 1 मिलियन लोग, 2 मिलियन लोग कनाडा में हैं, 3-3.5 मिलियन लोग अमेरिका में हैं, और ये बहुत समृद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी प्रतिभा जो है उनके समाज में आकी गई है, उस पर एक उन पर विश्वास है। भारत के मूल के लोग गवर्नर बने हैं अमेरिका में, राज्य मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा में, कैबिनेट में रहे हैं, तो ये लोग भारत को एक ऐसी नजर से देखते थे कि लोकतंत्र की जब बात होती है तो उसको हम जोड़ेंगे। तो इस बार जब बाइडेन साहब ने जब राष्ट्रपति बनने के बाद बात करना शुरू किया, तो पहला तो जाहिर है कि ट्रूडो से करते, मेक्सिको से करते, ये उनकी कस्टमरी चीजें हैं, ये दोनों पड़ोसी देश हैं। दूसरा गए तो यूरोप पहुंच गए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह, उसके बाद जाते तो वो जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह पहुंचते, और इस बीच में रूस बहुत उनका बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका के साथ रहा है, कोल्ड वॉर का होने वाला है, और जो पहला कोल्ड वॉर का जो फेज था उसमें रूस और अमेरिका दो बड़े स्तंभ थे, तो जाहिर है रूस से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ के राष्ट्रपति के लिए, वो सब बातें हुई। जब इन सबको छोड़ के निकलते हैं तब डेमोक्रेसी की बात आती है, हिंदुस्तान का, भारत का उसमें एक उसकी एक बड़ी भूमिका है, तो जाहिर एक बात होनी चाहिए थी। मोदी जी ने फोन किया बाइडेन साहब को या ट्रूडो साहब को, जो भी कर रहे हैं उनको, जरूरी उनके लिए जरूरी है कि जब देश में कोई और तरह की अड़चन आए, किस तरह मुश्किलें हों, प्रोटेस्ट हो, कोई और मुश्किलें उनको लग रही हो, तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए बाहर बात करना उनको बहुत अच्छी तरह आता है। उन्होंने कई बार ऐसा किया है, विदेश की तरफ देखते हैं, जैसे ये तमाम देश ऐसा करते हैं, और पहले इंदिरा जी ने भी किया था, जब भी कोई बात आए तो वो कहते थे कि विदेशी इसमें हाथ है, विदेशी हाथ हमने सीखा था, इंदिरा जी से भी सीखा था। लेकिन अगर आप देखें, नरेंद्र भाई हमारे देश के बहुत ही प्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करना चाहिए था लोकतंत्र को मजबूत करने के, जिसमें कि पत्रकारों को आजादी हो कि वो जो ठीक समझते हैं लिखें, उसके लिए उनके ऊपर सरकार कोई अंकुश ना लगाए, सरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ना भेजे, सरकार उनके खिलाफ पुलिस केस ना करे। दूसरा है कि अपोजिशन को एक इज्जत मिलनी चाहिए, अपोजिशन की इज्जत, जैसे अमेरिका में आज की तारीख में रिपब्लिकन हमारी नज़र में, तमाम नज़रों में कितना भी ऐसा कर रहे हैं जो कि अविश्वसनीय लगता है, कैसा हो सकता है, आप सामने देख रहे हैं कि एक बुरा काम हो रहा है लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि आप बंधे हुए हैं, किसी किसी राग में रमे हुए हैं। लेकिन सब लोग सेनेट में बैठते हैं, वो बैठते हैं 24 घंटे जरूरत पड़ती तो बैठते हैं। अगर आप देखें जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है, चाहे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे रिपब्लिकन मेजोरिटी सेनेट में हो या कांग्रेस में हो, वो शनिवार रविवार वो मध्य रात्रि की बात देखते नहीं है, हमेशा बैठे रहते हैं और सब लोग बैठते हैं। कोई नहीं बैठा तो उसको बड़ी मुश्किल होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर बात करने की, मार्को रूबियो को जा नहीं पाए तो उनको बड़ी बड़ी परेशानी हुई, बड़ी मुश्किल से दोबारा उनका चुनाव हुआ, जो सेनेटर फ्लोरिडा के थे, वो राष्ट्रपति के प्रत्याशी भी थे ट्रंप के खिलाफ। यानी कि वो नहीं जाए तो इमीजिएटली फौरन ही शुरुआत हो जाती इस बात की कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री जी ने संसद को एक अपना क्लासरूम बना रखा है, जिसको कोरोना वायरस के नाम बुलाना नहीं चाहते, सब कुछ और करते हैं बुलाते नहीं। अपोजिशन को अगर आप हमेशा, और अखबार वालों को जो आपके विरोधी हैं उनको आप अगर हमेशा UAPA का एक डर दिखाएंगे, हवा खड़ा कर रखेंगे, या उनको आप ऐसे बोलेंगे कि जो भी हमारे खिलाफ है वो देश विरोधी है, उससे हमारी लोकतंत्र की नींव मजबूत नहीं होगी, उससे जो हमारी संस्थाएं हैं वो मजबूत नहीं होंगी, और बिना इन संस्थाओं के
बड़ी मुश्किल होती है किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी कहीं भी किसी भी सरकार को चलाने में हमें लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। हमें बांटने की, जिस तरह से बांटा जा रहा है उस तरह एक बड़ा नेता नहीं करता है। ये छोटे नेताओं काम हो सकता है जो छोटी लड़ाइयां लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी में प्रतिभा है एक बड़ा नेता बनने की, वो आगे देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की छवि तो अच्छी लगती है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विचार हैं वो अगर लाए तो और अच्छा रहेगा। तो अगर वो विचारों की बात करते हैं, कभी गांधी का स्वरूप, कभी टैगोर का स्वरूप, कभी नेहरू की परिकल्पना, कभी पटेल जी का स्वरूप, उनके विचारों को भी लाए, स्वरूप के अलावा उनको विचारों को भी लाना पड़ेगा। हमें ये लग रहा है कि आज की तारीख में जितनी मुश्किलें वो खड़ी कर रहे हैं उसके बजाय उनको जो एक रास्ता भारत ने निकाला था पिछले 73 साल, पिछले 65 साल में, उस पर चलना चाहिए था। इन्होंने कहा कि 60 बरस आपने उनको दिए, मुझको 60 महीने दे दीजिए, 60 महीने मिल गए। अब 73 बरस, अब उनको 73 महीने मिल चुके हैं, कितने हो गए, शायद 80 महीने हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि जो भी खड़ा होता है उसको एक नाम देने की कोशिश की। अब इस बार उन्होंने एक नया शब्द निकाला, दो एक महीने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, अब कहते हैं आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी तो वो खुद भी थे। आंदोलन जीवी हर व्यक्ति जिसको आंदोलन करना पड़ता है वो समझता है, जो आदमी लोगों की बात लेके बढ़ेगा उसको आप क्या बोलोगे, राजनीतिक बोलोगे या आंदोलन जीवी बोलोगे। लेकिन आंदोलन जीवी ऐसा शब्द उन्होंने बना दिया कि हमको सबको कहना पड़ेगा हम सभी आंदोलन जीवी हैं। क्योंकि जब भी हमारे सामने लोकतंत्र में गवर्नेंस की बात आती है हमें खड़ा होना पड़ेगा कहने के लिए अपनी बात, और जब भी हम खड़े होंगे उनको आंदोलन जीवी बोलेंगे तो हम सभी आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन जीवी नागरिक होता है, हर नागरिक आंदोलन जीवी उस तरह से देखिए तो है। लेकिन जिस तरह से वो बात कहते हैं उनमें इतनी बड़ी प्रतिभा है कि कोई भी अच्छा शब्द देकर उसको एक नया मायने दे देते हैं। हमें इन सब चीजों से नरेंद्र भाई की प्रतिभा को समझते हुए जो वो कुछ भी कहते हैं सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे क्या है। तो अब वक्त आ गया है समझने का कि 7 बरस के बाद जो भी वो कहते हैं हम सिर्फ उनकी बात उनके शब्दों में न समझें, उनके शब्दों के पीछे जाके देखें इसका मतलब क्या है। बहुत जरूरी है कि जो आज जो हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनके साथ जो पिछले 75-80 दिनों से हुआ है वो अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है, शर्मनाक बात है कि जिनके लिए हम सरकार चला रहे हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कितने लोगों ने, जब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा आप जिस तरह हमारे किसान ये ठिठरती हुई शीत में खड़े रहे, आप किस कारण से कभी भी इस तरह कर पाओगे एक दिन के लिए, एक रात के लिए भी? कौन सा ऐसा कॉज होगा जिसके लिए आप खड़े हो सकते हो, आपका अपना, अपने परिवार का या किसी का? अब आप सोचो कि लाखों लोग इस तरह खड़े रहे तो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है जो उनको चुभ रही है, वरना क्यों आते? उसको ये कहना कि ये सिर्फ राजनीतिक है, सब कुछ राजनीतिक है। जब भी हम समाज में बात करते हैं इसकी न्याय की या एक बैलेंस की, संतुलन लाने की, तब हमेशा ये बात आती है सरकार के जो लोग हैं वो कहेंगे कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समाज में संतुलन की बात कर रहे हैं, और वो संतुलन है जिसमें सब लोग एक नागरिक की तरह एक सम्मान के साथ जी सके। हमें एक नागरिक की तरह ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एकदम लाचार हो चुका हूं। हमें एक अच्छा नेता सबको एम्पावर करता है, सबको लगाता है कि हम सशक्त नागरिक हैं। आज की तारीख में हमें लगता है कि पिछले 7 साल में हम लोग लाचार बनते जा रहे हैं। जो भी 303 सांसद के नेता कहेंगे वही हमें मानना पड़ता है, और बाकी सब लोग 330 के अलावा जितने भी हैं सब देशद्रोही बनाए जाते हैं। एक जमाना था जब एक दूसरा नेता जिसके पास 400-450 सांसद थे, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, तब भी उनकी सरकार गिर गई। तो 303
से बात नहीं बनती है, दोस्त की हद से बात नहीं बनती है, बात बनती है सबको जोड़ने से। आप सिर्फ 303 सदस्यों के की कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आपको बनना पड़ेगा देश का प्रधानमंत्री। उसमें कोई भी दोष देशद्रोह नहीं। पहली बात, हर नागरिक का सम्मान कैसे होगा ये डिपेंड करता है हमारे नेता के ऊपर, और नागरिक का सम्मान अगर नहीं कर पाते तो वो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। तो पहला काम हमारा हमारे नेता का होना चाहिए कि हम हर नागरिक को उसका सम्मान दें, जो सबसे गरीब सबसे कमजोर है उसको भी एक अपने आप में महसूस हो कि मैं एक इंसान हूं, मैं एक नागरिक हूं। ये 73 साल से हमें शुरू से करना चाहिए था, उसके लिए कई चीजें करनी पड़ेगी, उसको उनको मजबूत बनाना पड़ेगा, हमें उनको मानना पड़ेगा कि वो हमारी तरह है, ये नहीं कि वो कोई और है। किसी ने कभी कहा था हमसे कि जब हमने अपने आप को संविधान दिया तो मजाक में किसी ने कहा कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी आर द पीपल। सांसद देश से अलग नहीं है, प्रधानमंत्री देश से अलग नहीं है, सारी सोचने की क्षमता वही होती है जो सच होती है, जिसमें सबका हिस्सा हो। तो प्रधानमंत्री आज की तारीख में जो महसूस कर रहे हैं, किसान आंदोलन का जो जो गर्मी महसूस कर रहे हैं, उसकी एक ही वजह है, उन्होंने बिना सबसे पूछे एक रास्ता अख्तियार कर लिया। ऐसा ना करें तो तमाम जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और हम वाकई विकास की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो जब तक ये चीजें जो वो पैदा कर रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, वो आती रहेंगी, हमारा विकास का रास्ता नहीं खुल पाएगा। इस बात के साथ अगले शनिवार 5 बजे फिर, धन्यवाद, नमस्कार।